नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको इन वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्लाइस कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी 0% चार्जेस में। तो सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। पहले स्लाइस कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जो करना बहुत ही इजी था, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि स्लाइस कार्ड जो है बहुत ही जगहों पर एक्सेप्टेड नहीं हो पा रहा है। लाइक हम बात करें फोन पे की, चाहे बात कर ले अभी हम पेटीएम एप्लीकेशन की, तो वहां पर जो है बता दिया जाता है कि प्रीपेड वीजा कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इस तरह का आपको एरर फेस करना पड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके का यूज करके आप अपने स्लाइस कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में 100% ट्रांसफर कर पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाता है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की कि आप किस तरह से अपने स्लाइस कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो है स्लाइस कार्ड को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया है। यहाँ पर मैं पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं अपनी लिमिट्स वगैरह दिखा देता हूँ कि कितनी मेरे पास अभी अवेलेबल लिमिट पड़ी हुई है। तो अभी मैं स्लाइस कार्ड के होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं जो लास्ट में प्रोफाइल का आइकन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरे पास अभी कितनी अवेलेबल लिमिट है। तो मेरे पास अभी जो है 2,30,695 रुपये पड़े हुए हैं इस स्लाइस कार्ड में। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सना पे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो है सना पे एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, नहीं करते हैं तो इस एप्लीकेशन को इजिली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और मैंने इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे पहले भी वीडियो बना रखे हैं, तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको इस एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, वे जो है इस एप्लीकेशन को यूज भी करते होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को तो यहाँ पर KYC करना मस्ट है, तभी आप इससे ट्रांसफर करिएगा बैलेंस को, नहीं तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है। तो कैसे KYC वगैरह की जाती है डिटेल में वीडियो बना हुआ ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप होम पेज पर आ चुके हैं और होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूटिलिटी पेमेंट का, तो इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपने कोई बैंक अकाउंट पहले से ऐड करके रखा हुआ तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम एंटर कर देना है, निकनेम एंटर कर देना है, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, अकाउंट नंबर एंटर करके कन्फर्म अकाउंट नंबर एक बार और एंटर कर देना है और IFSC कोड एंटर करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो हमें अभी यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है, पहले वाले अकाउंट को ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जितना भी आप जो मनी है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं स्लाइस कार्ड की हेल्प से, वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 2,000 रुपये जो है टाइप कर चुका हूँ। पर्पस में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास में कई सारे ऑप्शन है, जनरल पेमेंट वगैरह या रेंट पेमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी जनरल पेमेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैरियर में आप रिसीवर या फिर सेंडर कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी रिसीवर रख ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन प्रायोरिटी सिलेक्ट करना काफी जरूरी है और यहीं पर आपको चीजें ध्यान देनी है। देखिए अगर आप सेम डे सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यानी लगभग 60 रुपए के आसपास। इंस्टेंट पे में भी आपको 60 रुपए के आसपास ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप T+1 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका सीधे सीधा 10 रुपए माइनस हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ 50 रुपए पे करने पड़ेंगे 2,000 रुपए की पेमेंट के ऊपर। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 0% चार्जेस में होने वाला है, तो आप यहाँ पर बोल रहे हो चार्जेस लगेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा पेमेंट ऑप्शंस। कई सारे पेमेंट ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपने अदर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। लास्ट में आपको पे विद रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम से ही 10 रुपए जो है माइनस हो चुका है, यानी 50 रुपए की जगह अब हमें जो है सिर्फ 40 रुपए ही पे करने हैं।
अभी 40 रुपए ये भी घटने वाले हैं, कैसे घटेंगे चलिए ये भी मैं आपको बताता हूं। तो अभी मैं यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो वॉलेट का और एक जो है पे विद रिवॉर्ड्स का। तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो जो भी आप नंबर जो है अपने फ्लिपकार्ट वगैरह में पे नाउ में वगैरह में यूज करते हैं तो उस नंबर को यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो TWID वॉलेट जो है इसमें 40 रुपीज का हमें कैशबैक मिल जाएगा हम ये पेमेंट करते हैं। तो पहले हमारा 10 रुपए डिस्काउंट हो चुका था, 50 रुपए जो चार्जेस ले रहे थे और यहाँ पर 40 रुपीज का कैशबैक और मिल जाएगा। तो इस पे आपने राइट का साइन जरूर से लगा देना है, अगर आप इसको नहीं लगाते तो आपको 40 रुपीज का कैशबैक नहीं मिलेगा, तो मस्ट इसको राइट का साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पर रिवॉर्ड कार्ड में देख सकते हो आप अलग अलग कार्ड को यूज करते हो, चाहे आप मैजिक पिन में किस तरह का आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, पेबैक पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है या सुपर पॉइंट पड़ा हुआ है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम पेबैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर 32 पॉइंट जो है हमें इससे अर्निंग भी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कार्ड से हमने पेमेंट करना है स्लाइस कार्ड का यूज करके, तो यहाँ पर हम कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया था उस नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हमारे पास एक OTP आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर OTP को एंटर कर दिया और OTP वेरीफाई हो चुका है। तो आपने यहाँ पर जितने भी कार्ड को ऐड करके रखा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू कार्ड को ऐड करने के लिए ऐड न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने हम स्लाइस कार्ड को ऐड कर लेंगे और उसके बाद में ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्लाइस कार्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो SBM बैंक और स्लाइस कार्ड की तरफ से हमें जो है मैसेज जो है रिसीव हो चुका है OTP वाला। तो OTP को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और OTP एंटर करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करते ये जो पेमेंट है कंप्लीट हो जाएगा और ये जो मनी है हमारे स्लाइस कार्ड से डिडक्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो पेमेंट प्रोसेसिंग में जा चुका है जिसके लिए हमें 32 कॉइन भी मिल चुके हैं। और यहाँ पर जो पेमेंट आप देख सकते हो 10 रुपए पहले ही हमारा डिस्काउंट हो चुका था और 40 रुपए का जो हमें है कैशबैक भी मिल जाएगा, जिस कारण से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो पेमेंट है एकदम ही फ्री ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी हमें चार्जेस नहीं पे करना पड़ा है, 2000 रुपए की ट्रांजेक्शन हमने की है। तो और अभी मैं यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ स्लाइस कार्ड में, तो स्लाइस कार्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मैंने ट्रांजेक्शन वगैरह की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2294 रुपये मेरे अभी इस महीने में यूज है, 1990 रुपये जो है मैंने अभी TWID पे में यूज किया है और यहाँ पर इसके लिए हमें जो है मॉनीज भी मिले हैं। तो अगर हम कहें तो 2000 रुपये का हमने यूज किया है तो टोटल में हमें 20 रुपये का कैशबैक हमें यहाँ भी मिल गया है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको 20 रुपये का एक्स्ट्रा में प्रॉफिट भी हो चुका है और आपका जो मनी है स्लाइस कार्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर भी हो गया है। अब यहाँ पर बात आती है जो 40 रुपये का आपको कैशबैक मिला है वो आपने कैसे यूज करना है, क्योंकि 40 रुपये आपको इंस्टेंट वहां पर डिस्काउंट नहीं होता है, उसको आपको यूज करना होता है। तो यूज करने के लिए फिर से हम सनापे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर फिर से हम होम पेज पर आ चुके हैं और फिर से आपने सेम प्रोसेस को दोहराना है, जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद में अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट में आप चाहो तो 100 रुपया या 50 रुपया, 100 रुपया जो है मिनिमम आप सेंड कर सकते हो, तो 100 रुपया यहाँ पर आपने एंटर कर देना है एंड राइट वाले साइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फिर से T+1 को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अभी मैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और सारे प्रोसेस को सेम ही आपने दोहराना है, तो मैंने सारे प्रोसेस को सेम दोहरा दिया है। अब यहाँ पर फिर से आपने अपने पे विद रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैशबैक है ना आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको पास में अवेलेबल कितना है। पहले आपको कैशबैक मिलना था, यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमने इस पे राइट का साइन किया था तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 40 रुपए का अब यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर -40 रुपए हो जाएंगे। पहले यहाँ पर -40 नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो आप देख सकते हो 40 रुपए का माइनस हो चुका है। तो अब यहाँ पर फिर से आपने पेमेंट कर देना है सेम प्रोसेस को दोहराकर। तो यहाँ पर मैं कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से OTP के थ्रू वेरीफाई कर देता हूँ। OTP के थ्रू वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर फिर से हमने अपने उसी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिस कार्ड से हमने पेमेंट करा था और प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से हमारे स्लाइस कार्ड की तरफ से OTP आ चुका है, जो कि मैं OTP को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ
और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर कैशबैक मिलता है उस कैशबैक को भी आप यूज कर लोगे और आपका जो मनी है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने फिर से स्लाइस कार्ड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो 59.50 रुपए का मैंने फिर से पेमेंट किया था, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर मोनिस मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने स्लाइस कार्ड की लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और एक्स्ट्रा कैशबैक भी अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप आज का ये ट्रिक है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इसी साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी कोई न्यू ऑफर या अपडेट आता है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पहले देखने को मिल जाता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।